शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोहन देखो, हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हमारी दादी सास को हमारा ये मिलजुल पसंद नहीं। बेहतर यही होगा कि हम दूर रहें। श्रवणी, आई अंडरस्टैंड। चलिए, ज्यादा ज्यादा हम तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे, पर कॉलेज का क्या? कॉलेज में हम साथ में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हम साथ नहीं रहे तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। हम दोनों के रिजल्ट्स पे फर्क पड़ेगा। शिवांश, अब तुम ही समझाओ इसे। वैसे भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, और सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है, और हमारी अम्मा ने भी हमको माफ कर दिया, और अब तो हम बाप बनने वाले हैं, और अब हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। बधाई हो, चलते हैं। चलिए। इस चोट का दर्द तुम्हें भी बहुत जल्द होगा शिवांश, बहुत जल्दी। ये सब क्या है मम्मी? बताए तो थे, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अरे उसके आगे का तो बताओ। काहे मरना है हमको? तुमको बताना ओखली में सर देने के बराबर है। क्या मतलब? हमारी बिटिया, तुम सबर रखो, जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ना। पहले बताओ, रोहन ने क्या कहा? हाँ, रोहन ने माफी मांग ली, अब सुलह भी हो गई है। बढ़िया है। कौन है? हम हैं दामाद जी, आ जाए। आओ। बड़के ठकुरे ने आपने हमको बुलाया? हाँ, बुलाया था जी। वो कहा है ना कि एक काम है, शिवांश को हम बहाने से घर से बाहर भेज रहे हैं, तुमको बस उसको अटका के रखना। 3-4 घंटे से पहले वो घर नहीं आना चाहिए। 3-4 घंटे मतलब कैसे? अब कैसे समझे नहीं का? सेब खाओगे? अब समझ गए, अब समझ गए। आपका काम हो जाएगा। चलो फिर जल्दी। हाँ, ये जगह सही है। ये सही जगह है, एकदम सामने। वैसे गर्भवती महिला के कमरे में बाल गोपाल की फोटो होनी चाहिए, पर ये भी सही है। लड़का हुआ तो कन्हैया जैसा, लड़की हुई तो राधा जैसी।
अब वो कहा है ना कि हमें तो ये सब आता नहीं है, वैसे हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों ऐसे बात कर रहे हैं। अब आपको तो पिछला कुछ याद ही नहीं है, अगर याद होता तो आपको समझ में आता हम क्या कहना चाह रहे हैं। इतने बुरे थे काम? खैर हम इसलिए आए थे कि ये कुछ सामान मंगाना है श्रवणी के लिए, पेट से है ना, कभी खट्टा खाने का मन करेगा, कभी मीठा, फिर कभी तीखा, फिर आधी रात को दौड़ना पड़ेगा तुमको, इसीलिए पूरा लिस्ट दिया है, सब सामान मंगा के रख लो। ठीक है, ये सब हम अभी जाकर ले आते हैं। हाँ। फटाफट। अरे साले बाबू कहीं जा रहे हैं आप? बाजार जा रहे हैं, बताइए। अरे बताओ, अरे हमका भी बाजार जाना है, तो एक काम करो बीच रास्ते में गोल बाजार हमका छोड़ के आ जाओ। ये का है? वाह 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 वाह, इतना लंबा लिस्ट, अब बाजार से सामान खरीदने जा रहे हैं। हाँ वक्त लगेगा ना ये सामान लाने में। चाकू लिखना भूल गए थे। श्रवणी गर्भवती है ना, तो तकिए के नीचे चाकू रखेगी तो बुरे सपने नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा। ठीक है, चाकू भी ले लेंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं तीन चार पाँच छह घंटे भी लग सकते हैं। साले बाबू आप हमका ले जाओगे ना, आपका बहुत फायदा है। कहे कि इतनी बड़ी लिस्ट जो है ना, ये सारा सामान जो है आपके मोटरसाइकिल के पीछे वैसे सुरक्षित पकड़ लेंगे। जल्दी चलो, देर हो जाएगी। चलो चलो जल्दी चलो, ये पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो इसको। माँ अम्मा आ जाइए, खाना लग गया है। ताई जी श्रवणी बेटा, अब से तुम हम सब का नहीं बल्कि हम सब मिलके तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अब कल से तुम्हारा रसोई में जाना बिल्कुल बंद। ठीक है माँ, लेकिन अभी तो बैठिए आप सब। हाँ शिपू कहाँ है? वो जो अखिल है ना उनके साथ बाहर गया। अच्छा जिया जी। जी आप ठीक, आधे घंटे बाद हमको यही मिलना, हम आते हैं सामान लेके। यही मिलना? कहे कि इस शहर हमारे लिए नया है, घूमोगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। अरे अरे जिया जी, अरे आपने बातों में उलझा दिया, हमारा पैर टूट गया। अरे क्या हो गया? अरे अरे दिखाई ना कहाँ लगी? अरे दिखाई ना, तुम डॉक्टर हो? डॉक्टर के पास ले चलो हमका, हमारा पैर टूट गया, हाथ ना लगा और टूट जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए हटा रहे ना तुम्हारा मोटरसाइकिल, हटाओ। अच्छा ठीक, हटा रहे हटा रहे। ये काम अगर सही से ना हुआ ना, ये चंद्रा जो है ना बड़के ठकुराए, हमका जिंदा नहीं छोड़ के। जल्दी ले चलो अस्पताल, कोई ऑटो वाला भी नहीं देख रहा। चढ़ने के लिए सामान ले, इनको लेके जाए। आई आई आई, आराम से आराम से। मालती क्या हुआ? बुलन फोन नहीं लग रहा है? हाँ माँ।
श्रवणी बेटा, अब तुम भी बैठ के खाना खा लो। जी माँ। श्रवणी, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बस थोड़ा नमक कम है। वो स्वीटी नजर नहीं आ रही। स्वीटी, स्वीटी से कह देते, दिख नहीं रही। तुम ले आओगी नमक? हम ले आते ताई जी। तुम बैठो, हम लेके आएंगे। अरे नहीं माँ, हम जाते हैं, आप बैठिए, खाना खाइए, हम लाते। श्रवणी, माँ, श्रवणी, शिवांश, श्रवणी, श्रवणी, स्वीटी, श्रवणी, काम हो गया। श्रवणी, क्या होगा? मम्मी, क्या होगा? दीदी को, दीदी, दीदी, क्या हो गया श्रवणी बेटा? स्वीटी, जल्दी से जाके पानी लेकर आ। हाँ मम्मी, हम लाते, हम लाते। कहाँ चोट लगी है? श्रवणी, क्या हो गया? श्रवणी, उठो तो। मम्मी, हाँ, पानी पिलाओ। स्वीटी, माँ, वो श्रवणी, पानी। आराम से, तुम्हें कुछ नहीं होगा गुलन। आराम से, हाँ, ये ले। श्रवणी, अरे श्रवणी, ये शायद घबरा के बेहोश हो रही है। श्रवणी उठो। श्रवणी, अरे क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? शिबू को बुलाओ, शिबू कहाँ है? अरे नानी, शिबू को छोड़ो, पहले जाके कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ। एम्बुलेंस? हम तो कब से शिबू को फोन लगा रहे हैं और वो फोन ही नहीं उठा रहा। अरे आप फोन फोन के चक्कर में पड़े, हॉस्पिटल लेके चले। उठो उठो, श्रवणी को हॉस्पिटल लेके चलो। वो एम्बुलेंस आ गई, हमने ऐसी हालत देखे पहले बुला लिया था। उठाओ 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 उठाओ। जैसे जा रही हो उससे भी बदतर हालत में लौटोगी। लेके चलो, जल्दी लेके चलो। श्रवणी जी, बेटा जी, बेटा घबराओ मत, हम सब है यहाँ। श्रवणी बेटा, हिम्मत रखो। अरे वसुता जी, आप कहाँ चली? वो देखिए ना, अम्मा जी भांप रही है, उनको बिठाइए। लेकिन श्रवणी, हम है ना, हम पर भरोसा रखिए, हम देख लेंगे श्रवणी को। आप बैठिए, अब चलो 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 चलो। एक मिनट, तू हमारे साथ मटक मटक के कहाँ चल रही हो? सिवान जाएगा तो हमको फोन करके बताना। मम्मी, करने की वैल्यू हो आप तो? अभी कितना किया होगी तुम, चुप जो खाए करो, चुप चाप। चलिए चलिए, आप बैठिए अम्मा जी। अरे साले, आप ही मेरे पे रहोगे कि डॉक्टर को भी बुलाओगे? अच्छा ठीक है, आप बैठे यहाँ पे, हम बात करके आते हैं डॉक्टर से। अच्छा जल्दी आओ, हमसे रहने जा रहा, दर्द सहने जा रहा। आ रहे आ रहे। अरे भाई साहब, अरे नंबर आ गया आपका, डॉक्टर बाबू बुला रहे हैं। हाँ जल्दी जाओ। अरे जिया जी, खड़े हो गए? अरे अरे, होने की तो कोशिश कर रहे, हुआ नहीं जा रहा ना। कहा कहा डॉक्टर ने? चलिए अंदर। तो चलो ना जल्दी, कितना देर लगा रहे हो? Thank you.
190, lower 60. Keep checking this blood pressure, okay? मामूली सी चोट है, इतनी सी चोट से बेहोश कैसे हो गई? श्रवणी, पानी लेकर आ जल्दी। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, वो चोट की वजह से नहीं हुई है, वो घबरा कर बेहोश हो गई। जानती हैं, वो भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहती है, आए दिन बड़े बड़े पर्चे देती है, दिन रात पढ़ाई करती है और ऊपर से अभी मां बनने वाली है। ओ, ये प्रेग्नेंट है? जी, बला के मनोज हैं इसके ससुराल वाले। पहले उसकी जान खा ली, बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो, ना जीने देते हैं ना पढ़ाई करने देते हैं। अब बच्चा ठहर गया तो बोलते पढ़ाई छोड़ दो। ओ, यही तो नियति है, लड़की अनपढ़ हो या वकील, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ों की इच्छा के सामने एक औरत की क्या ही इच्छा रह जाती है। मां ही बनना चाहती थी। आपकी किस्मत है कि आप डॉक्टर बन गई, पर इसकी किस्मत बच्चा नहीं करना चाहती या एक औरत मां बनने के लिए तैयार नहीं है, तो एक औरत का पूरा अधिकार है कि वो। हाँ वही तो कह रहे हैं हम, उसकी इच्छा होनी चाहिए ना कि वो मां बनना चाहती है कि नहीं। डॉक्टर साहब पता है आप ही कुछ कर सकती है इसमें, और कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं मतलब? मतलब कि इसे चोट लगी है ना, आप उसका बच्चा गिरा दीजिए। पता भी नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि चोट लगी और बच्चा गिर गया। नहीं नहीं, इसके लिए तो इनसे या इनके पति से परमिशन लेनी होगी, फॉर्म पे साइन लेना होगा। और इनसे या तो इनके पति से ना, तो आप हमको फॉर्म दे दीजिए, हम साइन करवा देंगे इनसे। अरे कुछ नहीं हुआ है, चेक करने दीजिए, आराम से लेटिए। अरे डॉक्टर बाबा बहुत दर्द हो रहा है हमको। हमारा फोन कहाँ चला गया? अरे जिया जी, हम आते हैं बाहर से, लगता है भाग दौड़ में हमारा फोन कहीं गिर गया, हम देख के आते हैं बाहर। साले बाबू, अरे हमको छोड़ के ना जाओ, हमको बहुत दर्द हो रहा है। हम अस्पताल में पहली बार आए ना, तो हमको छोड़ के ना जाओ। अरे जिया जी, हम आते हैं, फोन देख के दो मिनट बाहर कहीं गिर गया। साले बाबू, अरे ऐसा ना करो, हमारा जी घबरा रहा है। अरे अटैक उटैक आ जाएगा तो लेके देने पड़ जाएंगे, हमारे हम मांगे इकलौते। अच्छा ठीक है, हम नहीं जाते, आप ठीक से लेटिए। अब यह है उन कहां चला गया हमारा। थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, इन्हें होश आते ही आप इनसे बात कीजिए, इन्हें सोचने का मौका दीजिए। अगर ये कंसेंट लेटर पे साइन करने के लिए तैयार हैं तो हम कर देंगे, ठीक है? वैसे आप इनकी कौन है? ताई जी, लेकिन हमारे लिए हमारी बेटी से कम नहीं है, कहे कि माँ नहीं है ना इसकी, हम इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, बचपन से एक ही सपना देखा है, हम डॉक्टर बनेंगे, पूरी दुनिया से लड़ गए, पर आज अपने प्यार के आगे अपने ससुराल वालों के सामने हार गई। खैर हम साइन करवा लेंगे। नर्स, इन्हें कंसेंट फॉर्म दे दीजिए। ओके डॉक्टर।
हमारी लाडली श्रवणी, अब कैसे बचोगे तुम? अब तुम देखते जाओ क्या क्या नहीं करते हम। श्रवणी बिटिया, ताई जी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, दुल्हन को भी देखेंगे। चलो चलो। चंद्रा, चंद्रा जी क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, वो ठीक है, खतरे से बाहर है, बस आज रात को अस्पताल में रखना है। ठीक है, तो हम रुकते हैं, आप लोग घर जाओ। नहीं अम्मा जी, आपका करेंगे रुककर। अरे रात बेरात कोई दवाई की जरूरत पड़ गई तो कहाँ टहलती फिरेंगी, इतना बड़ा अस्पताल है, आपको इस उम्र में आराम करना चाहिए। एक काम करिए वसुधा जी, आप अम्मा जी को लेकर घर चले जाइए, हम यहाँ रुक जाएंगे। नहीं, हमारा मन नहीं मान रहा, आप लोग जाइए, हम श्रवणी को साथ लेके ही लौटेंगे। हाँ वसुधा ठीक कह रही है। हाँ तो रुक जाइए, पर कहे कि डॉक्टर ने कहा है यहाँ पर भीड़ नहीं करना ठीक है, मुझे आराम की जरूरत है। वसुधा जी बाहर तो बैठ सकती है ना अम्मा जी को लेकर, है ना अम्मा जी? डॉक्टर ने कहा है। ठीक है ठीक है वसुधा, चल डॉक्टर ने कहा है तो हम बाहर बैठते हैं। अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है श्रवणी। श्रवणी उठो, उठो उठो, हाँ उठो, शाबाश बेटा। श्रवणी श्रवणी, श्रवणी बेटा, बेटा ये ना इस पे साइन करना है तुमको, साइन कर दो, ले लो। साइन करो। शिवांश, अब शिवांश आता ही होगा बेटा, ये पर अभी कहे ना तुमको चोट लगने से ना तुम्हारे बच्चे को खतरा हो गया है। बच्चा? हाँ, 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 बच्चा, बच्चे को बचाना है ना बेटा, तो अभी अभी कहे किसी का इंतजार नहीं कर सकते। लो इस पे, इस पे, इस पे, इस पे साइन करो। लेकिन आपने तो इन्हें बताया ही नहीं कि ये साइन अबॉर्शन के लिए। वो हम समझा रहे थे बस उसको, ऐसे थोड़ी होता है बहन जी, पेशेंट को या फिर उनके पति को पूरे होशो हवास में ये फॉर्म साइन करना होता है, और अभी तो ये पूरी तरीके से बेहोश हैं। आप ये फॉर्म फाड़ दीजिए, इस फॉर्म का कोई फायदा नहीं। छोड़िए, चुप छोड़िए, धीरे धीरे धीरे। कायला, इस वक्त इस कमरे में तुम्हारे हमारे अलावा ये तीसरी जन है जो है बेहोश, और चौथा कोई नहीं है। अब तुमने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, या तो हम तुम्हारा अभी यहाँ गला काट दें, या तो फिर पूरे साल कि पूरी पकार एक साथ तुमको दे दे, है ना? एक साल की तनख्वाह? हाँ, एक साल की तनख्वाह, एक साथ। इसे हटा लीजिए,
अब जैसे बोली मैं वैसे कर लूंगी। हाँ, हमको सच में लगा था कि तुम बहुत समझदार, तो अब डॉक्टर को कहोगी कि तुम्हारी आंखों के सामने इसने साइन किए हैं पूरे होशो हवास में, और अगर मुंह खोला ना तो तुम सोच लेना हम क्या कर सकते हैं। और अब जल्दी से इसको कोई दवाई दो, क्योंकि आज रात का इसको बिल्कुल कुछ याद नहीं रहना चाहिए। इसे हटाइए। हम देते हैं इंजेक्शन, लाते हैं। हाँ, ना देते हैं, ना देते हैं। जल्दी 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 दवाई दो। लगा दिया इंजेक्शन, अब इसे होश नहीं आएगा। होश नहीं आएगा, नहीं, याद भी नहीं रहना चाहिए। याद भी नहीं रहेगा। जल्दी 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 जा रही हूँ। डॉक्टर को याद है ना? हाँ, सुसाए। ऑपरेशन की तैयारी करो। हाँ हाँ, जा रही। श्रवणी बेटिया, अब क्या होगा? तुम्हारा बच्चा तो गया। तुमने हमको हमारे बच्चों से दूर किया ना, अब तुमको पता चलेगा अपने बच्चे से दूर होने का दुख और दर्द क्या होता है। बड़की ठकुराइन, बड़की ठकुराइन, कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ, कहीं नहीं, वो हमने आपकी दुल्हन को डॉक्टर से बात करते हुए सुना था। हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, वो नर्स ने बताया ऑपरेशन है। ऑपरेशन? क्या श्रवणी का ऑपरेशन होगा? कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा ही ऑपरेशन है। आप लोग इतना परेशान मत होइए, एक काम करिए, आप लोग घर चले जाइए। हाँ, आराम कीजिए, वक्त लगेगा। जैसे ही हमको पता चलेगा ऑपरेशन खत्म हो गया, हम आपको फोन करेंगे, आप आ जाइए। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप लोग आराम से बैठ जाइए। हम यही रुकते, ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तभी जाएंगे। हे भगवान, हमारे बच्चे की रक्षा करना। शिवांश, शिवांश का है? पट्टी मैंने बांध दी है, आधे घंटे में आराम मिल जाएगा। शर्मी दीदी आपको ढूंढ रही है, उनका फिर से चक्कर आ गया। हमारा फोन बंद कैसे हुआ? हाँ बेटा, ये तो हमारा ही फोन है, आपको कहाँ मिला? अरे कहाँ गई? घर से इतने सारे मिस कॉल्स, माँ का मैसेज। शिपू कहाँ हो बेटा? शिपू बेटा, श्रवणी गिर गई थी, हम उसे सिटी अस्पताल लेके आए हैं। श्रवणी? बड़की टकराई,
हम शिवांश को रोकने का बहुत कोशिश किए लेकिन इससे ज्यादा रोक नहीं पाए। अरे रखो, किसका फोन है? बैंक वाले फोन करते रहते। शिवांश के आने से पहले सब हो जाए बस। पता नहीं शिबू कहाँ रह गया, ना फोन उठा रहा है, पता नहीं उसने हमारा मैसेज भी देखा है कि नहीं। इस समय शिबू यहाँ है नहीं और शवनी की हालत इतनी बुरी है, हमें समझ नहीं आ रहा अम्मा हम क्या करें। दिखाई नहीं देता का? देता है ना, सब दिखाई देता है। अब रास्ते में क्यों खड़े हो? अब रास्ते से हटो। डरिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भटक गई हो का? जो अपने माँ बाप के पास, यहाँ का ही मंडरा रही हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? हम कहाँ पे हैं? आराम से, पैनिक मत होइए। बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। बेहोशी? बेहोशी का इंजेक्शन क्यों? क्यों मतलब? आपका ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टर, ऑपरेशन? ऑपरेशन क्यों हो रहा है हमारा? हम किस चीज का हो रहा है? अरे आपने अपनी मर्जी से तो कंसेंट फॉर्म साइन किया है। कंसेंट फॉर्म? कौन सा कंसेंट फॉर्म? अबॉर्शन के लिए। नहीं, आराम से। नहीं, हमें हमें कोई अबॉर्शन नहीं कराना है। ये रोकिए। ये क्या बोल रही है? मैम, ये बेहोशी की वजह से थोड़ा घबरा रही है। ऐसा होता है ना, इन्होंने कंसेंट फॉर्म साइन किया है, हमारे सामने साइन किया है। हमने कोई साइन नहीं किया। अरे हमें नहीं कराना। इन्हें फॉर्म दिखाइए। फॉर्म लेके आओ। हमें नहीं कराना। मैम ये, अरे ये देखिए, आपने खुद साइन किया है। मैंने कोई साइन नहीं किया डॉक्टर। ये इनकी फैमिली बाहर है ना, बुलाओ उन्हें, फिर ही ऑपरेशन करेंगे। मैम किसको बुलाएं? वो उन्होंने बताया था ना कि इनके ससुराल वाले सनकी हैं और ना ही इनके पति को बुला सकते हैं और ना ही इनके सास को। शिवांश, आप शिवांश को बुलाइए। शिवांश, आप आराम कीजिए। आराम से लेटिए, आप लेटिए, आप लेटिए, आराम से। देवी माँ, ये क्या हो रहा है? मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। शामनी, माँ शमनी का? शमनी गिर गई थी। गिर गई? उसे चोट आई, वो बेहोश हो गई थी। माँ ऐसे कैसे चोट लग गई? हमने तुम्हें कॉल किया था, तुमने फोन नहीं उठाया, फिर हमने मैसेज भी छोड़ा। डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं। ऑपरेशन? अरे क्या हुआ उसे? पता नहीं। शमनी, शमनी, हमें हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, शुभान शुभान।
श्रवणी दीदी बुला रही है। आप यहाँ कैसे? आप तो वहाँ पे थे। पहले जाइए, वो बुला रहे हैं। अरे कहाँ गई? कहाँ गई? श्रवणी, 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 खोलो, अरे दरवाजा खोलो, श्रवणी, श्रवणी। डॉक्टर, कौन दरवाजा पीट रहा है? वार्ड बॉय को देखने बोलो, कौन है? शमी, कौन है? शमी, वार्ड बॉय ये अंदर कैसे आया? शिबू, शिबू, आइए हमारी, शमी, शिबू, हाँ हमें रुकिए, हमें बात करनी है। शिबू चलो, अम्मा अम्मा रुकिए, हमें बात करनी है। हम यहाँ लड़ने नहीं आए, बेबी है हमारी, वो आप लोग दो मिनट रुकिए। शमी, डॉक्टर साहब हमारी बेबी है, वो माँ बनने वाली है। जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये बच्चा नहीं चाहती। और समझदारी इसी में है कि आप इस वक्त इसका साथ दें, और अगर ये तैयार नहीं है तो आप इसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? यही कि ये अबॉर्ट करना चाहती है। ये आगे पढ़ना चाहती है, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। अबॉर्ट? ये किसने कहा आपसे? ये अबॉर्ट करवाना चाहती है। ये देखिए, उन्होंने अपने हाथों से इसमें साइन किया है, देख लीजिए। ध्यान से देख लीजिए, पेशेंट के ही साइन है इस पे। ये सच नहीं है, हम नहीं मानते। डॉक्टर साहब, आपने बच्चा गिरा दिया। अरे बताइए ना। अभी नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, अभी रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। हमें बस एक बार श्रवणी से पूछ लेने दीजिए, एक बार वो अपने मुंह से कह दे। श्रवणी, वार्ड बॉय, अरे हमें एक बार उसे बात करने दीजिए। देखो तमाशा मत करो, ये इसका कानूनन हक है। अगर तुमने गुंडे दिखाई ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अरे आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? शर्मनी उठो, शर्मनी। वार्ड बॉय ले जाओ इस आदमी को, और अगर ये ज्यादा हाथ पांव मारे ना तो पुलिस बुला लेना। बहुत बड़ी शिवू, चलो डॉक्टर साहब, हमारा विश्वास कीजिए। अरे हम कुछ बनाना चाहते हैं, इसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। देखिए हमारी बात समझिए, एक बार बस श्रवणी अपने मुंह से कह दे कि आप जो कह रही है वो सच है, हम कसम खाकर कहते हैं हम आपको ऑपरेशन करने से नहीं रोकेंगे। तो कह तो दिया है, खुद फॉर्म पे साइन किया है नर्स के सामने। अस्पताल में इतना काफी है, अब जाइए और हमें ऑपरेशन करने दीजिए। अरे हम नहीं मानते आपकी बात, हम बात करेंगे अपनी बीवी से। अरे छोड़िए, अरे छोड़िए, आप सब लोग बाहर जाइए। शिवू चलो, चलो शिवू। श्रवणी बताओ इनको, जो ये कह रहे हैं सच नहीं है। श्रवणी छोड़ो, मैं बाहर चलो। श्रवणी बताओ इनको, ये सच नहीं है। श्रवणी शिवांश को हमने हमेशा तुमसे ज्यादा चाहा, और देखो वो एक एक कदम तुमसे दूर और हमारे पास आ रहा है। आज के बाद वो तुम पर कभी भरोसा ही नहीं कर पाएगा। शिवू, ये क्या किया तूने? इसकी क्या जरूरत थी? क्या कर रहा है बेटा? अस्पताल आई है।
शिबू बीपी और हार्ट रेट अचानक से फ्लक्चुएट हो रहा है। इसे मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती, मैं इसे आईसीयू में शिफ्ट कर दो। जानते हैं कि ये बच्चा नहीं चाहती, ये अबॉर्ट करना चाहती है। ये देखिए, उन्होंने अपने हाथों से इसमें साइन किया है। शिबू क्या? क्या हुआ शिबू? अम्मा, हम सबसे लड़ते रहे उसके लिए। हमने कभी जबरदस्ती नहीं की उसके साथ मां बनने के लिए, पर उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमसे पूछा तक नहीं उसने। देख शिबू, जब तक हम शबनी के मुंह से खुद नहीं सुन लेते, हम किसी नर्स या किसी डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे। माँ, अब क्या रह गया पूछने के लिए? माँ, उसने अंदर हमारा बच्चा। हम एक बात कह सकते हैं? नहीं, हम बस इतना कह रहे हैं कि जब से वो लड़का है, खाना में उसका था रोहन। मम्मी, हाँ रोहन, उसका जब से आना जाना शुरू हुआ है ना, तब से घर का माहौल ही खराब हो गया है। आप हमारे घर के मामले में ना ही बोले ना तो अच्छा है। सच कड़वाई होता है शिबू। बड़की ठकुराइन ठीक कह रही है। कोई ठीक नहीं कह रही, फालतू की बेतू की बातें कर रही है। बेतू की बातें नहीं कर रहे हैं हमने। उस दिन खुद श्रवणी को देखा था किसी से बात करते हुए। जिस दिन आप शवनी के लिए लड़े थे अम्मा जी से, उस रात को जब सब लोग सो गए थे, तब वो फोन लेके बाहर गई थी और उसने बात की थी। अच्छा, फिर तो आपने ये भी सुना होगा कि किसका फोन आया, क्या बात हुई। हाँ, हमने नहीं सुना। देखा अम्मा, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें बस घर में आग लगाना आता है। क्या सबूत है आपके पास? नहीं, सबूत भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास है ना, मतलब हमारे पास दीदी का फोन है। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। ये लीजिए दीदी का फोन, आप ही देख लीजिए। देख शिबू, अगर कुछ मिले तो इसमें। रोहन,
ऐसे यहाँ से वहां टहलने से टेंशन दूर हो जाएगी क्या? नहीं ना, तो जल्दी से फोन लगाओ उसको और सॉरी बोल दो, सिंपल। सीटी, ये कोई टाइमर से कॉल कर रहे हैं? वो सो रही हो? नहीं सोई होगी, वो देर रात तक पढ़ती है, और अगर फोन नहीं उठाया तो तुम मैसेज करके सॉरी बोल देना बस। चलो चलो फोन लगाओ, लगाओ ना फोन। कुछ मिला? हाँ, मिस कॉल है इसमें, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं है। तो बाहर जाके किया होगा ना वापस, जब हमने उसे देखा था। नहीं, इसमें और कोई डिटेल नहीं है। आप भी ना जीजा जी कैसी बात करते हैं, डिलीट भी तो कर सकते हैं ना, पर आजकल तो लोग एक फोन में दो दो सिम रखते हैं। जिनको धोखा देना होता है वो सब तैयारी करके रखते हैं। देख शिबू, शक ने बड़े बड़े घर तोड़ दिए, ये जो भी बात करनी हो वो शवनी से सीधा करना, आमने सामने बैठकर। बिल्कुल सही कहा, शवनी से ही बात करनी चाहिए, किसी पे विश्वास मत करो। तुमको एक बात पूछनी चाहिए कि आज वो लड़का उसको गुलदस्ता देकर गया था तो उसने किसी को उस गुलदस्ते के बारे में बताया काहे नहीं? गुलदस्ता? कौन सा गुलदस्ता? वो रोहन तो गुलदस्ता देकर गया था, वो अभी भी घर के पीछे वाले कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, यकीन नहीं आता तो आप लोग देख लीजिए। हम क्या करेंगे मनगढ़ंत कहानियां बनाकर, हमें कोई शौक नहीं है किसी का घर तोड़ने का। हमने इससे पहले इसलिए नहीं कहा, कहे कि हमको लगा चुप रहते हैं, लेकिन अब सर के ऊपर से पानी जा चुका है, हमें चुप रहना ठीक नहीं लग रहा। अब आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, हमें सहारा दिया है, हमें पनाह दी है अपने घर पे, हम नमक हराम ही नहीं कर सकते। अरे हम नहीं मानते आपकी बात को। ठीक है फिर मत करो, हमारे पास और भी बहुत सारे सबूत हैं। पता है नहीं नहीं, मैं और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, भरोसे के काबिल दुल्हन थी नहीं। लेकिन हमको श्रवणी पर पूरा भरोसा है, वो बहुत ही सीधी और सच्ची लड़की है शिबू। श्रवणी, रुकिए, श्रवणी क्या हुआ? अबॉर्शन हो गया? इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था इसलिए अबॉर्शन नहीं कर पाए। अबॉर्शन नहीं हुआ? हे दिव्या, तेरा लाख लाख शुक्र है। इनको होश आ जाने दीजिए, इनकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाने दीजिए, तब इनका ऑपरेशन करेंगे। भगवान ने कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। बिगड़ तो गया ही है वसुधा जी, बच्चा भले ही बच गया है लेकिन रिश्ता, रिश्ता आप खत्म ही समझो, क्योंकि आग लग चुकी है।
शुक्र मनाओ कि बच्चा बच गया, बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया। पर हमें डर इस बात का है कि अगर ये बात सच है कि श्रवणी बच्चा नहीं चाहती तो कल का क्या भरोसा, हो सकता है कल वो बच्चा गिरा दे। शिबू, अम्मा आप शिबू को समझाओ ना, आप ही उसे समझा सकती हो। हाँ अम्मा जी, हम बात कीजिए। कहे कि जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ना तो हमारा दिल बहुत दुखता है। इसी में वो गुलदस्ता देखा था अम्मा। शिवांश, बेटों की बात नहीं कर रहे थे ना, हमारा कोई काम आग लगाने का है, सिर्फ एहसान चुका रहे थे। वो देख, क्या बात है मम्मी, गुलदस्ता दीदी के लिए आया है और प्यार आपको आ रहा है। और तब तक प्यार देंगे जब तक ये सही जगह नहीं पहुंच जाता। क्या, अरे इतना प्यार देने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया। मम्मी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ये क्या कर रही है इतनी मेहनत की कूड़ेदान में फेंकने के लिए। हमको कभी कभी लगता है तुम हमारी औलाद हो कि नहीं। मतलब ये, हाँ तुमको हम पैदा किए हैं लेकिन तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो तुम्हारे पिताजी पर गई है, जिसको चाले समझ में ही नहीं आते। खैर समझ जाओगे धीरे धीरे, काहे कि ना सीख जाना तुमको जिंदगी भर नहीं संभाल पाएंगे। चलो ताकि कोई देखे ना, चलो। झूठ नहीं कह रहे थे, नीचे लिखे हैं। हम क्या करेंगे इसका, हम तो बहुत कुछ करेंगे इसका। समझ में आया काहे प्यार दे रहे थे उस गुलदस्ते को। हम अपने बच्चे को गिराने की बात सोच भी नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते माँ। हम और शिवांश, माँ हमारे प्यार की निशानी है ये बच्चा। हम क्या, शिवांश भी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हम माँ आखिर हम क्यों गिराएंगे अपना बच्चा, बोलिए ना, हम क्यों गिराएंगे अपना बच्चा, क्यों गिराएंगे हम। ये सब आप लोग के मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ये सब आपकी लापरवाही है। कैसे होने दे सकते आप ये, जवाब दीजिए।
चाय। चाय। अब इतने भारी मन में भी कोई चाय पिएगा क्या? ले जाओ, हम तो नहीं पी पाएंगे। वैसे तो हमारा भी मन नहीं था, पर क्या करें, ऐसे सब उदास बैठे हैं, ये देख के हम बना के लाए। ठीक है, कोई बात नहीं। नानी, नानी तनिक देखो जरा सिब्बू को, अब परेशान बैठा हुआ है। बोलो मालू, देख रही हो? बताओ सही, एक बच्चे के लिए लोग बरसों तरसते हैं, है कि नहीं? और एक ही है, बच्चा गिराने चली थी, अब क्या कह सकते हैं? नानी, आपको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरहद जी ने ऐसा किया क्यों है? हमको तो बस यही लग रहा है कि श्रवणी कोई तमाशा ना करे, काहे कि उसके मन की हुई नहीं ना। अरे नानी, ये सब का है, ये ढोल वालों को किसने बुलाया? नहीं, हाँ। आपने बुलाया क्या इन लोगों को? नहीं, हमने नहीं बुलाया। खैर जो भी है, तमाशा देखो। रुको रुको, ये ढोल नगाड़ा काहे बजा रहे हो? जाओ यहाँ से, हमने नहीं बुलाया। रुको, कोई नहीं जाएगा, यही बजेगा ढोल। क्यों, कोई जलसा है यहाँ? जलसा है, जैसे शादी ब्याह का जलसा होता है ना, आज वैसे ही मौत का जलसा होगा। बजाओ। देखिए, ऐसा नहीं है, आपने कंसेंट फॉर्म पे साइन किया है, इसलिए हम आपका ऑपरेशन करने वाले थे। नहीं, हम नहीं मानते इसे। देखिए, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ इस तरह की लापरवाही हो ही नहीं सकती, और कल आप ही ने तो मेरे सामने कंसेंट फॉर्म पे साइन किया था। हम नहीं मानते, जब हम यहाँ आए थे तब हम बेहोश थे, जब हम इस अस्पताल में आए तब भी हम बेहोश थे, और हम ये कैसे साइन कर सकते हैं जब हम बेहोश थे? तो बोलिए, हाँ, नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस है। शिकायत करेंगे माँ की, शिकायत करेंगे। मैम, क्या हमने आपसे खुद कहा कि हम अपना बच्चा गिराना चाहते हैं? बोलिए ना, जवाब दीजिए। नहीं, आपने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर किस बिना पर आपने हमें ऑपरेशन टेबल पर लिटाया? इतनी बड़ी क्या जिम्मेदारी? हमारी पल्स ना गिरी होती तो आप लोगों ने तो हमारा ऑपरेशन कर दिया होता। हमने कहा, हमारे परिवार ने कहा, तो फिर कैसे हम अपना बच्चा क्यों गिराएंगे? माँ, हमें घर ले चलिए, हमें घर जाना है। हाँ चलो, हमें अभी के अभी डिस्चार्ज कीजिए डॉक्टर, सुना आपने? और ये हम अपने पूरे होश आवाज में कह रहे हैं, हमें घर जाना है, डिस्चार्ज कीजिए हमें। देखिए, हम अपनी तरफ से फिर से आपसे माफी मांगते हैं, मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवाती हूँ। नर्स, फॉर्मेलिटीज करो। ओके डॉक्टर। शिवांश, शिवांश
शिवांश का है माँ, शिवांश का है, उन्हें पता है ये सब माँ, क्या वो जानते हैं, क्या उन्हें भी लगता है कि हम अपना बच्चा, बोलिए ना माँ, बोलिए ना, आप चुप क्यों खड़ी हैं, कुछ तो बोलिए। क्या चल रहा है ये सब? संभालो ये पगला ना जाए। आपकी विदाई इस घर से। क्योंकि हम आपको तलाक दे रहे हैं। आपने तलाक, दिखाते हैं आपको देखिए। आपको पढ़ना तो आता है ना, हमसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं आप,
देखिए, अच्छे से देखिए। ये हमारा तलाकनामा, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डाइवोर्स पेपर।